Okay, students, so today we'll learn about sentence and the ordering of words, okay? Now, why do we need sentence? We need sentence because in order to express our views, feelings or ideas, we make use of certain signs, gestures, words which form a part of a language. Almost all the languages in the world have symbols, signs, or words which facilitate in forming a sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Generally, a sentence consists of subject, a verb, an object, or a complement. Okay, bacho? तो हमें वाक्य क्यों चाहिए? ठीक है, हमें वाक्य इसलिए चाहिए क्योंकि अपने विचार, भावना या विचारों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ संकेत, इशारों, शब्दों का उपयोग करते हैं जो भाषा का हिस्सा बनते हैं। दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में प्रकृत चिन्ह या शब्द है जो वाक्य बनने में सुविधा प्रदान करते हैं। वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ बनाता है। आमतौर पर एक वाक्य में एक विषय, एक क्रिया, एक वस्तु व एक तारीफ शामिल होता है। अब बच्चों सुनो, सेंटेंस बनने के लिए हमें शब्दों का जरूरी होता है, ठीक है? और ये शब्दों को हमें सटीक जगह में बिठाना पड़ता है। अगर ये सटीक जगह में ना बिठे तो शब्द नहीं बनता है, ठीक है? और हर भाषा में कुछ इशारे होते हैं जो हमें भाषा बनाने में सहयोग देती है, और यही हमें ठीक से समझने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है? तो बेसिकली एक दूसरे के भावना को, एक दूसरे के आइडिया को जानने के लिए हमें सेंटेंस चाहिए होता है, ठीक है? जैसे कि मान लो मुझे बहुत प्यास लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, मुझे पानी दो, ठीक है? अब अगर हम पानी बोलेंगे तो तुम ठीक से नहीं समझ पाओगे, ठीक है? लेकिन अगर हम बोले मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी दो, तो तुम समझ जाओगे कि अच्छा, इनको प्यास लगा है, इनको पानी देना है, ठीक है? तो इतने एक दूसरे के भावना और विचारों को व्यक्त करने के लिए ही सेंटेंस बना है। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ए वर्ड और अ फ्रेज विच सेज हु और व्हाट डज समथिंग। एग्जाम्पल, राम इज माय ब्रदर। सी हियर, द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट राम एंड इज माय ब्रदर इज सपोर्टिंग द राम। ओके, नाउ इफ यू रिमूव राम फ्रॉम द राम फ्रॉम द सेंटेंस इज माई ब्रदर, दिस वुड मेक नो सेंस। ओके, सो दैट इज वाई राम इज सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट राम। नाउ द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। दिस द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, द प्रेडिकेट मे हैव ए सिंगल फाइनाइट वर्ब और ए वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट। For example, sparrows chirp. Okay, now see, what is sparrow doing? Sparrow is chirping. Or what does a sparrow do? Sparrow chirp. Or sparrow chirps. Okay, so now chirps is what the sparrow does, right? So that is why chirp is supporting the sparrow. That's why we say chirp as a predicate. Okay, bachcho, to एक वाक्य दो भागों से बना होता है। एक में आता है विषय और दूसरे में आते हैं विधेय, ठीक है बच्चों? अब हम विषय के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है? एक वाक्य का विषय एक शब्द या एक वाक्यांश है जो कहता है कि कौन या क्या कुछ करता है, जैसे राम मेरा भाई है, ठीक है? ये शब्द, ये वाक्य में राम विषय है, ठीक है? क्योंकि ये सेंटेंस राम के बारे में बात कर रहा है।
के बच्चों, तो अब हम विधेय के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। विधेय एक वाक्य का वह हिस्सा है जो विषय की कार्रवाई को के बारे में कुछ कहता है। विधेय में एक एकल परिमित क्रिया या एक वस्तु क्रिया प्रशंसा के साथ एक क्रिया हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पैरो चिर्पी हम बोल दिए हैं, और चिर्प क्वालिटी है स्पैरो का, ठीक है। स्पैरो क्या कर रहा है, चिर्प कर रहा है, और ये चिर्प स्पैरो को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए चिर्प हमारा विधेय होता है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस, ओके स्टूडेंट्स। द बॉय रीडिंग इज सी पर्स लॉस्ट हैड हर। द अबव सेंटेंसेस डू नॉट मेक एनी सेंस, सो दे कैन बी रीरिटन, ओके। द अबव सेंटेंसेस, अभी जो सेंटेंस ऊपर हमने पढ़ा या आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो, ये सेंटेंस कोई अर्थ नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला में क्या होगा, द बॉय इज रीडिंग, ठीक है, एक लड़का पढ़ रहा है। नंबर दो में क्या होगा, सी हैड लॉस्ट हर पर्स, मतलब एक लड़की ने उसका पर्स गुमा दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों में ही हमें क्या मिल रहा है कि दोनों में ही शब्दों का झुंड मिल रहा है, लेकिन हमें दोनों में मीनिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर नीचे वाले पढ़ेंगे तो मीनिंग मिल रहा है, अगर ऊपर वाला पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक शब्द बनाने, सॉरी एक वाक्य बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। नाउ देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ओके। सो नंबर वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स विच कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ओके। दीज आर कॉल्ड अफर्मेटिव, असर्टिव और सिंपल सेंटेंस। Example, the boys are sitting in their room. Now this is affirmative. The boys are not sitting in their room is negative. Now see what happens out here is declarative sentence. They make a declaration. Okay, they make a declaration. They give a statement. Okay, so these can be of negative and affirmative. Now if you replace if a word like not, no, don't, this kind of words, if they enter the sentence, then it becomes a negative sentence, and if no, not, don't are absent, then it is affirmative sentence, okay my bachcho। To yahan pe dekho declarative matlab declarative naam hi bata raha hai ki declare kar raha hai, theek hai। To iske do hisse hote hain, jaise ki ek hua affirmative, ek hua negative, नकारात्मक, ठीक है। तो नकारात्मक में जैसे कि नो, नॉट, डोंट ऐसे डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इन चीज़ों को निकालोगे तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ नाम इंटरोगेटिव ही बोल रहा है हमें कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन मतलब, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। It is a question statement, a question sentence, which is formed by putting the auxiliary verb or YWH word before the beginning of the sentence. It ends with a question mark. For example, were you absent yesterday? What is being done by you? Okay, bachcho. And it can be negative question as well sometimes. And that example for that is, are you not disturbing me? Why don't you sit here? Okay, so ऐसे होते हैं। So now इसको explain किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रश्नमक वाक्य, okay? तो ये हमें प्रश्न पूछता है, ठीक है। और ये वाला sentence WH वाले शब्द से शुरू होता है और ख़त्म question mark के साथ होगा, ठीक है। question है तो question mark के साथ ही ख़त्म होगा। तो इसका example है, क्या तुम एब्सेंट थे कल, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होगा। तुम क्या कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन हुआ।
और ये कभी कभी नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव क्वेश्चन भी होता है, जैसे कि क्या तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो या क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा है तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा है क्या तुम मुझे, ठीक है, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, नहीं, इसे नेगेटिव हो गया। और दूसरा है क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो इससे भी हुआ नहीं से, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड और सजेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये क्या करता है, किसी को सलाह देता है, रिक्वेस्ट करता है, किसी को हुक्म देता है या किसी को सजेशन करता है, ठीक है। अब ये भी दो, इसका भी दो दो रहता है, जैसे कि एक ही अफर्मेटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ओपन द डोर, किसी को तुम आदेश दे रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए, ठीक है। डोंट ओपन द डोर, मतलब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव आदेश दे रहे हैं, ठीक है। पोस्ट द लेटर, मतलब किसी को बोल रहे हो पोस्ट द लेटर, ठीक है, सलाह दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। और नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना, ये कोई हमें सिखा रहा है कुछ, ठीक है, सजेशन दे रहा है या ज्ञान दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, नेवर के कारण ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। मार्च फॉरवर्ड, मतलब ये कमांड हो गया, कोई हमें कमांड कर रहा है, मार्च फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये भी अफर्मेटिव, सॉरी, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है बच्चों। और चौथे नंबर में है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस विशेस। ऑप्टेटिव मतलब ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का ये नाम ही बोल रहा है हमें कि कुछ ऑप्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब विश कर रहा है, ठीक है, पाने का ख्वाहिश रखता हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस में हमारे ख्वाहिशों को व्यक्त करता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वर अ किंग, ठीक है, उसका ख्वाहिश है राजा बनना, मस्ट आई बी ए मिलियनियर, मतलब उसका ख्वाहिश है कि वो मिलियनियर बने, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी के ख्वाहिशों को व्यक्त करता है। नाउ नंबर फाइव इज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। नाउ एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, सॉरो, हैप्पीनेस, शॉक, एंगर, डिसगस्ट और डिलाइट। एंड एक्सक्लामेशन सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है बच्चों। तो एक्सक्लामेशन सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब हम हमारा भावना को व्यक्त करते हैं, जैसे कि हमें दुख महसूस होता है कभी कभी, कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हमें दुख महसूस होता है, ठीक है। तो ये सब दिखाने के लिए हम एक्सक्लामेशन सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो भी रहता है ये एक्सक्लामेशन मार्क के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, जैसे कि क्या सुंदर लड़की है, मतलब ये एक हो गया। दूसरा में है हाउ सैड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। नंबर तीन में ओह आई हैव लॉस्ट माई रिंग, दुखी, यहाँ पे दुख महसूस कर रहा है, ठीक है, आह मेरा अंगूठी हम गुमा दिए। नंबर चार में अलास आई एम अनडन, मतलब मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी ऑल्सो मस्ट कीप इन माइंड दैट सेंटेंसेस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड दे हैव थ्री टाइप्स, ओके, नेमली सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंस को तीन भागों में बांटा गया है, एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब इस चीज इन तीन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। नंबर वन इज सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए सिंगल कंप्लीट थॉट एंड हैज वन डेफिनेट वर्ब। ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट।
Examples: Muskan is the school prefect. Dev is an intelligent sculptor. Okay, so here what we see is, it is simple one sentence, right? It doesn't have two sentences connected to each other. तो एक ही sentence है, एक ही sentence में ख़त्म हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक ही subject है, एक ही predicate है, और यहाँ पे finite verb एक ही मिल रहा है हमें, ठीक है बच्चों? अब दूसरा है compound sentence. A compound sentence has two or more coordinate clauses. These are independent and are of equal ranks. They can convey the complete meaning or sense by themselves. ठीक है, compound sentence में क्या होता है, दो clause मिलके एक sentence बनाते हैं, ठीक है, और ये दोनों clause independent रहते हैं एक दूसरे के, मतलब पहले वाला क्लॉज को दूसरा वाला क्लॉज अगर नहीं भी चाहिए, नहीं भी दोगे तो सेंटेंस तो मीनिंग बनेगा, और पहले वाला को दूसरे नहीं भी दोगे तो भी सेंटेंस बनेगा. जैसे कि देखो, दो क्लॉज मिलके बने होते हैं, द मदर कुक्स, ये भी ये एक क्लॉज हो गया मदर कुक्स, अब दूसरा क्लॉज हो गया द चिल्ड्रेन ईट फूड. ठीक है, अब इसको ये दो क्लॉज को हम जोड़ेंगे वाइल से, द मदर कुक्स वाइल द चिल्ड्रेन ईट फूड. ओके, नंबर दो में देखोगे आई स्वैम इन द रिवर, ठीक है, ये एक क्लॉज हो गया आई स्वैम इन द रिवर, इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, माय फादर स्टूड ऑन द बैंक, मेरे पापा बगल में खड़े थे, इससे भी हमें समझ में आ रहा है. ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे हम बट से, आई स्वैम इन द रिवर बट माय फादर स्टूड ऑन द बैंक. ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस बनता है तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट रहते हैं, अगर उसको अकेले भी चलाओगे तो भी सेंस बनाएगा. ठीक है बच्चों, नाउ नंबर थ्री इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू कन्वे इट्स मीनिंग. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, देखो दो क्लॉज या दो से दो या दो से ज़्यादा क्लॉज रहते हैं इसमें, पर एक जो क्लॉज है वो क्लॉज इंडिपेंडेंट रहते हैं, बाकी जो जितने भी क्लॉज रहेंगे वो सब क्लॉज डिपेंडेंट रहते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज क्लॉज के ऊपर. ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज ना हो तो सेंटेंस पूरा मीनिंगलेस रहेगा, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज हो तभी सेंटेंस बन पाएगा. ठीक है, देखो जैसे कि दे स्टेड इंडोर, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो अंदर ही रहे. इट स्टार्टेड रेनिंग से हमें थोड़ा समझ में आता है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता है. ठीक है, अब इसको जोड़ने से वी स्टेड इंडोर बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ये हमें समझ में आ रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये मेन क्लॉज हुआ. ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, फास्ट तो चला रहा था, ठीक है, लेकिन क्या चला रहा था हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ ये भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो इसको बोलते सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट सिंस ही वॉज ड्राइविंग फास्ट. ओके बच्चों, तो अगर हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो या समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम नया वीडियो बना देंगे उसके बारे में. ठीक है, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है. ठीक है, और शेयर भी कर देना है.